पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जहां बम्बीहा गैंग की तरफ से ये दावा किया गया था सोशल मीडिया पर कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक एक बदमाशों को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा। इस घटना को एक से डेढ़ साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है, बम्बीहा गैंग के टारगेट पर पंजाब का एक और मशहूर सिंगर था जिसका नाम मनकीरत औलख बताया जा रहा है। मनकीरत औलख को मारने की तैयारी बम्बीहा गैंग के शूटरों ने कर रखी थी और अब ये खुलासा NIA की चार्जशीट में हुआ है। दरअसल NIA ने जो चार्जशीट दाखिल किया है उसमें ये कहा है कि देवेंदर बम्बीहा गैंग का एक गैंगस्टर है जो इस वक्त हरियाणा के गुरुग्राम के भोंडसी जेल में बंद है, जिसका नाम कौशल चौधरी बताया जाता है। कौशल चौधरी अभी तक आतंकी गतिविधियों में इसका नाम सामने नहीं आया था, लेकिन अब NIA ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें कौशल चौधरी का नाम इस वक्त जो खालिस्तानी आतंकवादी है जिसके तार बब्बर खालसा इंटरनेशनल गैंग से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसका नाम है अर्शदीप डल्ला, अर्शदीप डल्ला से कौशल चौधरी का सीधा संबंध बताया जा रहा है। अभी तक हमने जो खबरें की हैं या फिर सुनी हैं या फिर जो कवरेज की हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई और बम्बीहा गैंग के जो तार ऐसे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब सवाल उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो बयान आता है या फिर लॉरेंस बिश्नोई के लिए जो लोग कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों का दुश्मन है, खालिस्तानियों को चुन चुन कर मार रहा है, तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ और सिर्फ बम्बीहा गैंग के बदमाशों को मारता है, खालिस्तानियों को नहीं। क्योंकि आपको याद होगा एक गैंगस्टर है जिसका नाम है लखवीर सिंह लांडा जो इस वक्त कनाडा में बैठा हुआ है, और एक गैंगस्टर पाकिस्तान में है जो आतंकवादी भी कहा जाता है, हरविंदर रिंदा। ये दोनों लॉरेंस बिश्नोई के साथ इनके ताल्लुकात हैं, जग्गू भगवानपुरिया के साथ इनके ताल्लुकात हैं और बम्बीहा गैंग के दुश्मन हैं, यानी खालिस्तानी आतंकवादी ये भी हैं। अगर लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानी आतंकवादियों को मारने की कोशिश करता है, मारता है, ख़त्म करने की बात करता है, तो ये लांडा और रिंडा ये दोनों कौन है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इनका ताल्लुकात क्यों है? दूसरा, बम्बीहा गैंग का जो ताल्लुकात है अर्शदीप डल्ला से, ये भी खालिस्तानियों से संबंध रखता है, यानी कि दोनों गैंग का खालिस्तानियों से कनेक्शन निकल कर सामने आता है। और लेकिन ऐसे में कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने चुन चुन कर खालिस्तानियों को मारना शुरू कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो अब नया निकल कर सामने आ रहा है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की चार्जशीट में, जिसमें कौशल चौधरी गुड़गांव जो इस वक्त भोंडसी जेल में कैद है, इसके तार बम्बीहा गैंग से तो थे ही, अब अर्शदीप डल्ला के साथ क्यों जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको एक एक बातें बहुत ही विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। तो ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, इसी का नाम है गैंगस्टर कौशल चौधरी जो बम्बीहा गैंग के साथ टाइप था और इस वक्त हरियाणा के गुरुग्राम के भोंडसी जेल में कैद है। इसकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अदावत थी पहले, और गुरुग्राम में जो शराब के ठेके हैं, शराब का जो कारोबार होता है, कई करोड़ों का कारोबार होता है, और इसी शराब के कारोबार में लॉरेंस बिश्नोई बनाम कौशल चौधरी का जो वर्चस्व होता है, और इन्हीं वर्चस्व के जंग में हमेशा लड़ाई होती है। पहले गुरुग्राम में कौशल चौधरी का पूरी तरह से कब्जा था शराब के जो ठेके होते हैं उन पर, बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जब दस्तक दी तो इन दोनों के बीच में गैंग वॉर होने लगी। और आपको याद होगा पटौदी के जो ठगरान बंधु थे जिन्हें शराब के दुनिया का किंग कहा जाता था, लॉरेंस बिश्नोई उनसे इतना ज़्यादा दुखी हुआ कि उनके घर में घुसकर उन्हें जिंदा ठुकवा दिया था और उन्हें कई गोलियां मारी गई थी, और यहीं से शुरू हुआ था लॉरेंस और कौशल चौधरी गैंग के बीच में शराब के कारोबार को लेकर विवाद जो आज तक चल रहा है। खैर, दोनों के गुर्गे इस वक्त जेल में बंद हैं, कौशल हो या फिर लॉरेंस, ये दोनों भी जेल में बंद हैं, लेकिन जेल के अंदर से बैठकर इन दोनों का काला साम्राज्य लगातार बदस्तूर चल रहा है। अब कौशल चौधरी दरअसल अर्शदीप डल्ला के साथ टाइप का जो खबर निकल कर सामने आ रहा है उसमें NIA की चार्जशीट में ये कहा गया है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जब निकल कर सामने आया था कि मनकीरत औलख का हाथ इसमें हो सकता है, तो मनकीरत औलख को मारने के तब से लगातार कोशिशें चल रही हैं और इसी के लिए अर्शदीप डल्ला से हाथ मिलाया था इसने, और मनकीरत औलख को तो नहीं मार पाया। मनकीरत औलख कई बार जो पुलिस की पूछताछ में भी पहुंचे और बाद में उन्हें पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया। मनकीरत औलख आज के मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में नहीं है, यहाँ से बाहर रहते हैं, कहीं और कंट्री में रहते हैं। शायद इस बात की डर, इस बात की सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि उन्हें अपनी मौत का डर सता रहा है। लेकिन NIA की चार्जशीट में चाहे हम नॉर्थ इंडिया के सभी गैंगस्टरों की बात कर लें तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि जिन्हें आप खालिस्तानियों से, जिनके तार आप जोड़ते हुए उस चार्जशीट में नहीं देख पा रहे हों, सबके तार खालिस्तानियों से